Bismillahirrahmanirrahim. Students, in this video, we will discuss about stoichiometry and the type of stoichiometry. It is the definition of stoichiometry, the quantitative relationship between reactants and products during chemical reaction. Means, chemical reaction ke dauran रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको कहते हैं स्टोइचियोमेट्री। फॉर एग्जांपल, आपने गन्ने की फसल की, आपको 1000 टन गन्ना हासिल हुआ। अब उस शुगर केन से, गन्ने से यू वांट टू गेट शुगर, उस गन्ने से, उस 1000 टन गन्ने से आप हासिल करना चाह रहे हैं शुगर, चीनी हासिल करना चाह रहे हैं। तो उस 1000 टन गन्ने से जितनी शुगर हासिल होगी, तो इन दोनों के दरमियान कहलाएगा रिलेशनशिप स्टोइचियोमेट्री, और ये कहलाएगा आपका क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। ए की क्वांटिटी आपको गिवन है और ए की क्वांटिटी आपने मालूम करनी है, यानी कि शुगर जो है वो कितनी हासिल होगी। अब शुगर हासिल हो गई, अब शुगर हासिल होने के दौरान एक आपको ब्राउन कलर का थिक गाढ़ा सिरप हासिल होता है, जो कहलाता है आपका मोलेसिस, उसको बोलते हैं मोलेसिस। अब उस मोलेसिस से, फॉर एग्जाम्पल, वो आपको मोलेसिस हासिल हुआ है आपका 1000 लीटर मोलेसिस हासिल हुआ है शुगर के शुगर के साथ साथ। अब उस 1000 लीटर मोलेसिस से आप कितना उससे अल्कोहल हासिल करेंगे, तो ये रिलेशनशिप कहलाएगा आपका स्टोइचियोमेट्री। इसको बोलेंगे हम स्टोइचियोमेट्री, उर्दू में इसे बोलते हैं हम तनासुब पैमाई। आप स्टोइचियोमेट्री की टाइप्स हैं, सबसे पहली जो टाइप्स है आपकी, वो है आपकी मास मास रिलेशनशिप। मास मास रिलेशनशिप सेकंड है मास मोल रिलेशनशिप। थर्ड है मोल मोल रिलेशनशिप। नंबर फोर है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। नंबर फाइव है मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप। नंबर सिक्स है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब ये इसकी आपकी सिक्स टाइप्स है। अब हम इसको बारी बारी इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मास मास रिलेशनशिप पे आएंगे, इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम मास मोल रिलेशनशिप के न्यूमेरिकल को, और फिर बाद फिर मोल मोल रिलेशनशिप के न्यूमेरिकल्स को, और फिर मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के न्यूमेरिकल्स को, एंड और आखिर में इस तरह हम मोल वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम मास मास रिलेशनशिप के न्यूमेरिकल को हल करेंगे। स्टे विद अस। ओके।